अब बारी फिल्मी खबरनामा की। सुनने में आया है कि भूतपूर्व सिंगर कुणाल गांजावाला का कहना है कि लोग मेरी आवाज का जादू जल्द ही देखेंगे। इस पर राजकुमार का कहना है, यानी हम तुम्हारी आवाज का जादू देखेंगे और जरूर देखेंगे, मगर तुम आवाज दो तो सही गांजा, तुम्हें तो सिर्फ एक ही गाना गाना चाहिए, गांजा गांजा करते करते आप गांजा होए। सुनने में खबर आई है कि विद्या बालन की फिल्म कहानी के सिक्वल के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है। खुल के कहिए, साफ साफ कहिए कि कहानी के लिए कोई कहानी नहीं मिल रही है और आप लोग बहाने की जगह पे कहानी बना रहे हैं। खबर आई है कि सनी लियोनी एक मॉल में जाके कर रही थी शॉपिंग। इसमें क्या है, क्या बड़ी बात है? सनी लियोनी जाके शॉपिंग कर रही, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या? अच्छा, उसके बाद वो चेंज रूम ढूंढ रही थी और नहीं मिला तो वही। लिखा करो, लिखा करे ना। भाई फरमाइश किया है औरंगाबाद से मोनू शेख जी ने कि हम उनके भाई सोनू शेख के लिए एक स्पेशल गाना सुनाएं। एक क्यों भाई, दो सुनिए। सोनू मोनू जी, आपके लिए ये दो गाने। हीरोइन हीरो दोनों। बॉबी डार्लिंग का कहना है कि उनके पास लड़की बनने का पूरा ऑप्शन है। बॉबी जी, देवल नहीं, बॉबी डार्लिंग, मेरी डार्लिंग, तुम्हारे पास तो लड़का बनने का भी पूरा ऑप्शन है। वैसे तुम्हारा आधार कार्ड बन गया क्या? आधार कार्ड नहीं तो हम बनवाएंगे। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि वो क्रिटिक्स को बता देंगी कि उनकी एक्टिंग खराब नहीं है। इस पे एक सस्ते क्रिटिक का कहना है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी एक्टिंग खराब नहीं है, बहुत खराब है, दर घटिया है। पता चला है कि क्रिश 3 के प्रमोशन में अभिनेत्री कंगना रनावत लोगों को मेकअप लगा के डरा रही हैं। इन्हीं सब कारणों से फिल्म का जो है बजट बढ़ जाता है। भैया, जो काम बगैर मेकअप हो सकता है उसमें मेकअप का खर्चा कहे जोड़ते हो? बिना मेकअप आओ हमारा खानदान डर जाएगा। देखो जूता सहन गया है। अब चलिए चलते हैं फिल्मी नगरिया और देखते हैं क्या है खबरिया। फिल्मी नगरिया की खबरिया के बाद मेरे भाई तीन गाने सुन लीजिए। गाना नंबर 17, 16 और 15 मेरे भाई, 15।